नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। एमपी के सीएम और राज्य बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अपनी तूफानी रैलियों को लेकर चर्चा में हैं। लगातार चुनाव प्रचार में अपनी फिटनेस से सभी को चौंका रहे हैं। शिवराज ने एबीपी न्यूज के साथ दिवाली के दिन प्रचार पर जब वो निकले और एबीपी न्यूज से खुलकर उन्होंने बातचीत की, तो आप देखिए चुनाव का पंचनामा ब्रजेश राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। चुनावी शोर है, मुद्दों का जोर है, हर तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भले ही बीजेपी ने अपना सीएम फेस घोषित ना किया हो, लेकिन ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए उन्होंने धूम मचा रखी है। त्योहार के बीच पिछले 5 दिनों में शिवराज कुल 40 रैलियां कर चुके हैं। दिवाली के दिन शिवराज सिंह चौहान के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत भी चुनावी दौरे को कवर करने निकले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकले हैं चुनावी सभाएं करने। हम भोपाल में हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 4 सभाएं करेंगे। 4 सभाओं में हम उनके साथ कोशिश करेंगे, उनके किसी जगह बात करें और उसके बाद जानेंगे कि जनता का क्या मूड है, जनता क्या सोच रही है शिवराज सरकार की वापसी को लेकर और शिवराज सिंह चौहान की इस मेहनत का क्या नतीजा निकलेगा। भोपाल से शिवराज का काफिला निकल चुका है। हेलीकॉप्टर से शिवराज राजगढ़ की सांगरपुर विधानसभा पहुंचते हैं। वहां सीएम शिवराज का जनता और कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिवराज का प्रमुख वोट बैंक माने जाने वाली महिलाएं उनका जोरदार स्वागत करती हैं। मामा जी जिंदाबाद के नारों से इलाका गूंज उठता है। शिवराज भी महिलाओं के सिर पर हाथ रखकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। शिवराज मंच पर पहुंचकर सबसे पहले कन्याओं की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद महिलाएं शिवराज की नजर उतारती। मंच से शिवराज भाषण शुरू करते हैं, जनता तालियों से जोश भरती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिवाली के रोज भी प्रचार के निकले हुए हैं। ये सारंगढ़ विधानसभा की सभा है और ये उनकी 3री सभा है। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपनी जो लाडली बहना है उनको शुभकामनाएं ले रहे हैं। उनका कहना है कि दिवाली का दिन है, तैयारी करनी है, रात में दिए जलाने हैं, लेकिन लाडली बहनाएं आज अपने भैया की नजर उतारने आई है। मेरी बहनों, तुम्हारे होते हुए मुझे नजर लग नहीं सकती, हालांकि लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी तो सोचते पता नहीं ये डेढ़ हड्डी का कहां से आगे आया। एक दिन तो उनने सोशल मीडिया में मेरा श्राद्ध कर दिया कि मामा तेरा श्राद्ध हो गया, तो मैंने कहा कि मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा और बहनों की और भाइयों की सेवा करूंगा। लेकिन तुम्हारा ये प्रेम मेरी बहनों अद्भुत है और भाई आपको ये वचन देता है कि जब तक मेरी सांस चलेगी मेरी बहनों, तुम्हारी प्रगति विकास और तुम्हारी जिंदगी को सुखी बनाने का काम करता रहूंगा। आप भी लाडली बहना हो? हाँ सर। किस गांव से? पचोर से। अच्छा, तो त्योहार का रोज है, भैया को सुनने आई हो? भैया को मिलना है। भैया को देखने मिलना है, भाई से मिलने आए हम। कांग्रेस ने बनाई थी क्या? घर वालों ने मना नहीं किया कि क्यों जा रही हो त्योहार के? नहीं कर रहा हमसे मना, नहीं कर रहा। कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? कौन है ये? मामा। कांग्रेस ये कौन है? मामा जी, ये हमारे भाई हैं। दिवाली का दिन होने के बावजूद शिवराज की लाडली बहना स्कीम का असर रैली में साफ नजर आ रहा था। इस दौरान कई मुस्लिम मतदाता भी रैली को सुनने पहुंचे थे। उनसे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने बात कर माहौल को जानने की कोशिश की। शिवराज सिंह चौहान जिस सारंगपुर विधानसभा में आए हुए हैं, वहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी भी है और शिवराज सिंह चौहान को सुनने बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी आई हुई है जो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। भाईजान, क्या कहेंगे शिवराज जी के बारे में, कैसे मुख्यमंत्री हैं? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छे। और जो योजनाएं चालू की हैं आपको भाई? सारे मुसलमानों को लाभ मिल रहा है, मिल रहा है सारे टोटल को। वो कहते थे बीजेपी में मुस्लिम जुड़ते नहीं है, जुड़ रहे? नहीं, सब जुड़ रहे हुए हैं यहाँ पे, सब जुड़े सहारनपुर क्षेत्र से। शिवराज राजगढ़ से एमपी के धार के लिए उड़ान भरते हैं। हेलीकॉप्टर में सीएम के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत भी धार के लिए रवाना होते हैं। बिजी शेड्यूल के बीच सीएम शिवराज हेलीकॉप्टर में ही लंच करते हैं। शिवराज सिंह चौहान अब निकल पड़े हैं राजगढ़ से सुदूर पश्चिम की तरफ, यानी कि धार जिले में। तो देखिए चुनावी व्यवस्था क्या होती है, इस भागा दौड़ी के बीच में ही
हेलीकॉप्टर में बैठ के ही जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो खाना यहीं खाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो एनर्जी है उस एनर्जी लेवल को मेंटेन किया जाए, क्योंकि लगातार सभाओं के बीच में खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती, तो खाने की फुर्सत भी इस चुनावी दौरे में हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत उनका मानना है कि हम बहुत खाते बहुत कम है क्योंकि इससे एनर्जी ज्यादा होती है, मगर जब वक्त मिलता है थोड़ा थोड़ा लगातार खाते रहते हैं। हेलीकॉप्टर में शिवराज जी का खाना चल रहा है, सर बहुत कम खाना खाया आपने? इतना काफी है, मैं दोपहर में कम ही खाता हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि इस भागा दौड़ी में खाने के लिए समय निकालना। बाहर खाता तो समय लगता है, समय को बचाना है, जब नाश्ता भी इसी में होता है, दोपहर का भोजन भी और रात का होता है गाड़ी में, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सभाएं समाप्त करके मैं गाड़ी से सभाएं करता हूं, तो चलते चलते गाड़ी में कर लेता हूं। शिवराज का हेलीकॉप्टर आदिवासी बहुल धार पहुंचता है। नीचे मौजूद भारी भीड़ सीएम के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। शिवराज हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं, अपने अंदाज में लोगों का अभिवादन करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुक्षी आए हुए, कुक्षी में हेलीकॉप्टर से भी लैंड किए, और देखिए शिवराज सिंह को देखने सभा में शामिल होने के लिए कितने सारे लोगों की भीड़ यहाँ आई हुई है, और ये सारे लोग कई मोबाइल से कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सारे लोग इस बड़ी बात यही है कि आज दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन के रोज भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना बता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता किस कदर है। शिवराज का फूलों से स्वागत होता है। शिवराज भी पुष्प वर्षा कर लोगों को दिवाली की बधाई देते हैं। सबसे पहले शिवराज लाडली बहनों से मुलाकात करते हैं। मध्य प्रदेश में 21% ट्राइबल्स की आबादी है, यानी कि हर पांचवा व्यक्ति मध्य प्रदेश में आदिवासी है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बड़े आदिवासी इलाके में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आदिवासी महिलाएं किस तरीके से आदिवासी आभूषण पहन के आई हुई हैं शिवराज जी का स्वागत करने के। कौन आया हुआ है? शिवराज मामा। दिवाली के दिन शाम के वक्त रैली में मौजूद लोगों का जोश उफान पर था। रैली में दिया जलाया जाता है, आतिशबाजी कर सब दिवाली का त्योहार मनाते हैं। भाई बहन का ये मार्मिक पर्व, हमारी माताएं बहने, मैं माता बहने से आग्रह करूंगा, ताजा बजा का स्वागत करें, फुलझड़े जला का स्वागत करें, फुलझड़े जलाइए, और दीपावली का ये पर्व चालू हो गया, और हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे देश में दीपावली का ये पावन पर्व हमारे साथ खड़े होकर मना रहे हैं। ये पर्व कुक्षी में दिवाली मनाई जा रही है, आप देख सकते हैं इस आम सभा में, इस आम सभा में दिवाली मनाई जा रही है। ढेर सारी महिलाएं आई हुई हैं, उनके सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं फुलझड़ी लगा के दिवाली मना रहे हैं। इस तरीके से आज दिवाली की शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों के साथ दिवाली मनाई है, और इस बात को लेकर वो महिलाएं बेहद खुश है, प्रसन्न है, और कुल मिला के एक बड़ा संदेश देने की बात है कि किस तरीके से दिवाली मनाई जा रही है, और ये दिवाली की शाम है इसलिए इस खास मौके को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी वजह ये कि शिवराज सिंह चौहान अब नीचे आ रहे हैं, अब अपने महिलाओं अपनी बहनों के बीच में जाएंगे, महिलाओं के बीच में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब निकल पड़े हैं अपनी बहनों से मिलने के लिए। महिलाएं उनको आशीर्वाद दे रही हैं। दिवाली के दिन सीएम शिवराज की आखिरी रैली थी। धार से भोपाल के लिए शिवराज हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और एबीपी न्यूज से दिल खोलकर बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, मतदान को ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हैं, जो लगातार कैंपेन के बाद अब वापस भोपाल लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं आपको कि आप दिवाली के रोज भी प्रचार पे निकले हैं, क्या इसके पहले कभी आपने अपने पॉलिटिकल करियर में दिवाली पे प्रचार किया है? मैं समझता हूँ देश के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी कि दिवाली के दिन भी सभाएं हुई, चुनाव प्रचार हुआ, जबरदस्त भीड़ उमड़ी, और भीड़ में भी मेरी बहनें और बच्चे बड़ी संख्या में थे, जिनको घर में काम होता है, दीपक जलाना है, पूजा करनी है, उसकी तैयारी करनी है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और मैं भी पहली बार दिवाली के दिन निकला। इसके पहले कभी दिवाली पर घर ही रहते थे, लोग मिलने आते थे, दिन भर तैयारी करते थे, शाम को पूजा करते थे। सर
प्रचार में अब ज्यादा दिन नहीं बचे, आपने मेरे ख्याल है कि तकरीबन 125 से ज्यादा सभाएं तो आचार संहिता लगने के बाद कर ली है और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा पहुंचे, तो अब बीजेपी को कहां खड़ा पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पर जनता का जो स्नेह सड़कों पर दिखाई दे रहा है, प्यार उमड़ रहा है, आज आपने भी दिवाली की सभाएं देखी। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक रिजल्ट के बाद चौंक जाएंगे कि ये क्या हुआ। सचमुच में लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको मिलेगा, बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पांचवी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की, मगर आपको नहीं लग रहा कि यदि मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम स्पष्ट क्लियर होता कि आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो और ज्यादा सीटें आप दावा कर सकते थे? मेरा काम मेरी पार्टी की सरकार लाना है, बाकी काम पार्टी का है। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पिछड़ गया है, भ्रष्टाचार का प्रदेश हो गया है, इसलिए अब शिवराज जी को हट जाना चाहिए। उनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस ने जितने भ्रष्टाचार किए, 2014 तक देश में क्या माहौल था, 2G 3G 4G जीजा जी कितने घोटाले थे। कमलनाथ जी 1.25 साल के लिए आए, उनने तो इंतहा कर दी थी करप्शन की। सेक्रेटरियट दलालों के अड्डे के रूप में परिवर्तित हो गया था, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं था, छापे भी पड़े तो करीबियों के पास से जो निकला पैसा वो सबके सामने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खास फोकस किए हुए हैं मध्य प्रदेश पे, कल भी राहुल गांधी आ रहे हैं, आपको लग रहा है इससे कुछ असर पड़ेगा? वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसका कोई असर है? देखिए, कांग्रेस दिग्भ्रमित है और दोनों भाई बहन जितना झूठ बोलते हैं मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अब प्रियंका जी कहती है कि 3 साल में 21 लोगों को रोजगार मिला, अब क्या कहते हैं? और वो इतना झूठ बोल रहे हैं कि उनका झूठ पूरी जनता समझ रही है, आम लोग जानते हैं उनका झूठ है ये, क्योंकि केवल झूठ बोलते हैं, इसलिए कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग सहित समाज के सब वर्गों के कल्याण के काम किए हैं, तो सब हमारे साथ है, ये केवल राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। एक सवाल और कि राम मंदिर का मुद्दा जो होर्डिंग्स जगह जगह लगे हुए, कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की, आपको लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा भी एक अंडर करेंट के रूप में बीजेपी को प्रमोट करेगा चुनाव? देखिए, राम हमारे अस्तित्व हैं, आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं, भारत की पहचान है, हमारी श्रद्धा के और आस्था के केंद्र हैं, हमने चुनाव से कभी भगवान राम को नहीं जोड़ा। आखिरी सवाल सर, कितनी सीटें इस बार बीजेपी ला रही है? हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करेंगे, और जो मैंने एक बात कही है कि लोग चौंकेंगे कि इतनी सीट कैसे आ गई। बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान, जो दावा कर रहे हैं कि इस बार के परिणाम चौंकाएंगे, हालांकि पिछले कई दफा शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में चौंकाया है। बीजेपी जिस तरीके से बहुमत लेके आई है, सिर्फ 2018 का चुनाव छोड़ दें जिसमें 5 सीटें पीछे रह गई थी, मगर हर चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ी है। इस बार फिर लोगों को उम्मीद है कि देखना है परिणाम किस कारण बैठते हैं। कर्मेन होमेन के साथ ब्रजेश शाहपुर, एबीपी न्यूज इंदौर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।